जी हाँ, आपने सही सुना, मैं एक सोशल मीडिया एडिक्ट था। जी हाँ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की मुझे एक बहुत बुरी आदत लग गई थी काफ़ी सालों पहले। और मैं कैसे उससे उभर कर सामने आया, कैसे मैं उससे बचा, मैंने अपनी आदत को कैसे चेंज किया और असल ज़िंदगी में मैंने कैसे जीना शुरू किया, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हालाँकि मैं इस बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, मैंने अपने फैक्ट की वीडियो में या अलग अलग वीडियो में बहुत बातें की हैं कि सोशल मीडिया के साथ, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के साथ बहुत एडिक्शन हो जाता है। आप ये देखते होंगे कि दिन में कई बार आप अपने फेसबुक को ओपन करके देखते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। ठीक है, निराश होने से बात ये कि आज मैं भी थोड़ा ऐसा ही निराश जैसा ही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है यहाँ पर और सारे बाज़ार बंद हैं और मेरा एसी ख़राब हो चुका है और वो इस कंडीशन में वो है नहीं कि वो ठीक हो पाए, तो आज मुझे एसी नहीं मिल पाएगा और मेरी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं। तो प्लीज़ अगर पसीने अगर आएंगे और स्वेट देखने को मिले तो इग्नोर करना। मेरी हालत बहुत ख़राब थी यार, मैं बात कर रहा हूँ 2008-09 की, 2010 की। मैं लगा ही रहता था, खाते वक्त, पीते वक्त, सोते वक्त, हर जगह लेके जाता था मैं अपना मोबाइल फ़ोन, इवन स्कूल में भी लेके जाता था, जबकि स्कूल में अलाउड नहीं था फ़ोन ले जाना, लेकिन मैं फिर भी फ़ोन ले जाता था और हमेशा फेसबुक वगैरह ही चेक करता रहता था। उस ज़माने में फेसबुक लोग ज़्यादा चलाते थे, आजकल लोग किसी और चीज़ के लिए फेसबुक चलाते हैं। आजकल चैट करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल नहीं होता, आजकल फेसबुक का इस्तेमाल होता है मीम देखने के लिए, मीम्स देखने के लिए, लोगों की पोस्ट देखने के लिए। लोग चैट नहीं करते फेसबुक पर, लेकिन उसकी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं रातों रात, रात तक 2 बजे 2:30 बजे तक सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अलग अलग पेज लाइक कर रखे हैं उन्होंने, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पहले जो होता था कि फेसबुक का इस्तेमाल चैटिंग के लिए बहुत किया जाता था और मैं बहुत करता था, मैं फंस चुका था इन चीज़ों में लिटरली। ये चीज़ें काम कैसे करती हैं और कौन लोग होते हैं, कैसे बचे, उसके बारे में बात करती हैं। काम आपका दिमाग जैसे काम करता है, आप जब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स चलाते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल, हार्मोन या ऐसा कुछ भी एक द्रव्य निकलता है जो कि आपको खुशी का अनुभव कराता है, अच्छा महसूस कराता है। तो जब आप चला के हट जाते हैं तो आपका जो बॉडी है, आपके दिमाग और डोपामिन की डिमांड करता है, तो आप जाके दोबारा चेक करते हैं कि अगर कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलता है या कोई भी आपको फोन बजता है तो वो डोपामिन रिलीज होता है, कोई मैसेज आता है तो आपको थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छा लगता है, और ये अच्छा 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 इस अच्छे की लत लग जाती है। शराब भी ऐसी, शराब का नशा भी यही है, एक बार पीते हैं लोग उन्हें अच्छा सा लगता है, थोड़ा अलग लगता है, तो फिर दोबारा तीसरी बार, चौथी बार, और वो खत्म कर देती है शरीर को। ऐसे ही आपके सोचने की शक्ति, आपके काम करने की शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन पावर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स खत्म कर रही हैं और इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये एक फैक्ट है। जी हां, अब ये कैसे, किन लोगों के साथ होता है? ऐसे लोग जिनकी सही में सोशल लाइफ अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे फेसबुक के लोग हैं जो कि इनकी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बड़ा देखभाल के लगाते हैं, जरा सा भी 19-20 नहीं होना चाहिए और एकदम परफेक्ट प्रोफाइल होती है, 10 तरह के फिल्टर होते हैं, कलरफुल बाल कर रखे होते हैं, चश्मे का ह्यू बढ़ा रखा होता है, एकदम चकाचौंध प्रोफाइल पिक्चर होती है। मैंने भी किया ये, मैं सिर्फ सबको दोष नहीं दे रहा हूं, ये मैंने भी किया है, बहुत सारे फिल्टर और यहां पर सैड शायरी, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड एटीट्यूड, बॉय हम तो ये हिला देंगे, धरती हिला दो, अंबर हिला दो, इस तरह के जो कोट लिखते हैं लोग, शायरी लिखते हैं और एटीट्यूड ये सब जो मारते हैं, असल जिंदगी में वो इसके अपोजिट होते हैं। ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो बहुत सोशली अलग होते हैं। मैं भी था, मैं ज्यादा दोस्त नहीं बनाया करता था, मैं बहुत अलग रहा करता था। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हैं वो असल जिंदगी में ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसलिए उनके पास इतना वक्त है कि वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। अब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं, लेकिन सही में उसके घर जाए बिना या असल में उससे मिले बिना, ये कुछ ऐसा है कि आप स्पोर्ट्स फैन हैं, आपको क्रिकेट देखना पसंद है, आपको सॉकर देखना पसंद है, हॉकी के मैच, कबड्डी, जो भी आप देखते हैं, वहां पर हार जीत होती है तो उससे आपको खुशी और गम होता है, आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए खेलना नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसा ही है, आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से दोस्त तो बना सकते हैं लेकिन असल जिंदगी में मिलने के लिए आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही बना सकते हैं। तो ये जब चीजें होने लगती हैं तो लोग असल जिंदगी और इस जिंदगी जो कि सोशल नेटवर्किंग की जो भी चीजें, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको ये लगने लगता है कि यही असली दुनिया है, यही दोस्त बनाए जा सकते हैं, और इसीलिए उनके साथ गलत चीजें होती हैं। आए दिन हमारे देश में कई लड़कियों को भड़काकर लड़के ले जाते हैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से, प्यार का धोखा देके ये सब करके। मैं ये नहीं कहता कि जितने भी लोग आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर जिन लोगों से आप मिलते हैं, बात करते हैं, वो सभी ऐसे हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं।
तो ये इसीलिए होती हैं क्योंकि लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को एक असल जिंदगी मानने लगते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे हम जो दिखाना चाहें हम वो हैं, वो हम दिखा सकते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि थोड़े बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि उनके बारे में पब्लिक जानती है वो क्या है कैसे करते हैं। मैं उन लोगों की बात करूं जिनके बारे में ज्यादा ऐसी कोई जानकारी है, जितने फेमस नहीं है, वो वही दिखाएंगे जो वो चाहते हैं। अगर कोई लड़का दिखाना चाहेगा कि वो बहुत पढ़ाई में ज़्यादा तेज है, यू नो, या कुछ ऐसा करता है, तो वो कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह डालेगा और चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं। प्रोफाइल पिक्चर से, पोस्ट से एक इंसान का अलग चीज़ बनाई जा सकती है जबकि वो है ही नहीं। इसी झांसे में लोग आ जाते हैं और इसी झांसे में फंसा के जो बुरे लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं लड़कियों का, बच्चों का और बुजुर्गों का। बुजुर्गों को पैसे के लिए, मतलब आपकी स्कीम वगैरह ये सब देते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है, बच्चों को जितनी अकल नहीं है कि किसी भी स्ट्रेंजर से ऐसे नहीं मिलना चाहिए, लड़कियों को जो छोटी लड़कियां हैं जिनकी उम्र नहीं है उन्हें ये नहीं पता कि ये फेसबुक के ऐसे में सही इंसान नहीं होता। आप जब तक किसी को नहीं जानते, कोई कनेक्शन नहीं है आपका, तब तक हो सकता है जिस लड़के से आप बात कर रही हैं वो शादीशुदा हो, उसके बच्चे भी हों। आप ऐसा हो सकता है आप जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी उसकी शादी हो चुकी हो, उसका पति हो, लेकिन वो आपको ये प्रिटेंड कर रही हो कि वो उसकी शादी नहीं हुई है, अपनी उम्र छिपा सकती है वो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की दुनिया अलग है, ये काल्पनिक दुनिया है। मेरी ये हालत थी कि मैं इन सब चीज़ों को असली मानने लगा था और मैं सोशल नेटवर्किंग पर जो मेरे दोस्त बने थे जिनसे मैं आज तक नहीं मिला, मैं उनको अपना असली दोस्त मानता था, ये सब होता था, जबकि ये सच्चाई नहीं है। ना मैं पढ़ाई में ध्यान दे पाता था, ना मैं जो रिसर्च वगैरह करता था टेक्नोलॉजी के बारे में जो करता था वो भी मैं नहीं कर पा रहा था। सारा ध्यान तो मेरा फेसबुक पर था, कुछ और सीखने का तो मेरे को मतलब ही नहीं है। ना तो V3 स्कूल पर जाके मैंने कोई कोडिंग सीखी, ना कुछ भी सीखा, कुछ नहीं किया। मैं सीधा सिर्फ हमेशा फेसबुक पर पढ़ा रहता था, मैं हमेशा रैंडम लोगों को ऐड करना, उनको हाय हेलो बोलना, यही करता रहता था मैं। कुछ मेरे को रिप्लाई करते थे, कुछ नहीं करते थे, और जो लोग नहीं करते थे तो फिर मेरे मन में फ्रस्ट्रेशन होती थी कि ये क्यों नहीं कर रहे, हाय हाय हमेशा हेलो हाय हाय। लड़कियों के साथ आप भी ऐसे करते होंगे अगर मेरी एज में होते तो, हो अभी तो मेरे साथ ही हो चुका है। इसको कैसे बचना है? भाषण तो बहुत हो गया, इससे कैसे बचोगे आप? आप जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसको अनइंटरेस्टिंग बना दो। अनइंटरेस्टिंग कैसे बनाओगे आप? कैसे बनाओगे? जो आपने फेसबुक पर पेज पर जो मीम वगैरह के पेज लाइक कर रखे उन्हें थोड़ा उनको डिसलाइक कर दो, डिसलाइक मतलब अनलाइक कर दो, मतलब लाइक अपना हटा दो वहां से, उन्हें फॉलो मत करो, और आप देखोगे कि आपकी जो न्यूज फीड आएगी वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, तो आपको देखने को मन नहीं करेगा। अगर आपको नोटिफिकेशन ज्यादा आ रहे हैं तो सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन को हटा दो, तो बार बार आप नहीं देखोगे। अर्जेस उठते हैं ना ये कि क्या आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा, वो काल्पनिक दुनिया है। किसी को अगर ज्यादा चिंता होगी तो उसको अपना नंबर दे दो, आपको कॉल करेगा। फेसबुक के नोटिफिकेशन से आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंस्टाग्राम की लत है तो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो, पीसी से डेस्कटॉप से इस्तेमाल करना शुरू कर दो, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, तो सेटिंग में आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। धीरे धीरे अनइंटरेस्टिंग बना दो और अपनी लाइफ में, असल जिंदगी में कुछ करो। पढ़ो, दोस्तों से मिलना है तो बाहर जाके मिलो, स्पोर्ट्स खेलो, तब आपका ध्यान थोड़ा बटेगा और तब आप इनसे चीज से हट पाओगे और अपनी पढ़ाई में अपनी जो चीज मैटर करती है उसमें ध्यान लगा पाओगे। मैं बता रहा हूं, अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के चंगुल में फंस गए हो, सिर्फ यही करते रहते हो जो कि मैं करता था, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं करो। अगर मैं उस समय नहीं निकलता उससे, तो आज मैं टेक्निकल सागर नहीं बन पाता, ये रियलिटी है। मैं आज एक बहुत नॉर्मल सी कोई जॉब कर रहा होता, कुछ नॉर्मल काम कर रहा होता, बहुत नॉर्मल सा काम कर रहा होता। मेरी टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और इसकी रिसर्च वो हमेशा ही अधूरी रह जाती, वही रह जाती, कभी शुरू भी नहीं होती, और मैं कुछ नहीं कर पाता अगर मैं सिर्फ फेसबुक पे ही अटका रहता। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करो। फेसबुक खराब चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपनी एक पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊं कि अगर मेरा काम नहीं होता, अगर मैं टेक्निकल सागर नहीं होता, सिर्फ मैं अभिषेक सागर होता, अभिषेक होता, तो मैं इतना अपडेटेड नहीं रहता अब, क्योंकि अब मेरी उम्र ज़्यादा है। पहले मैं हर दिन अपडेट करता था, सुबह उठता था तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फेसबुक पर डालता था मैं। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, आप किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, नहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता, अपने वॉल पर डाल रहे हो आप, कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं। हाँ, हो सकता आपके जैसे जो वेले लोग हो, मेरे जैसे उस वक्त जो वेले लोग रिप्लाई करती भी मेरे, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और असल जिंदगी में थोड़ा ध्यान बढ़ाइए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और मैं सच में ये वीडियो बनाते वक्त मैं खुद बहुत परेशान हूँ, अभी बहुत गर्मी लग रही है, बट ये एड्रेस करना ज़रूरी था और ये चीज़ मेरे को बतानी थी आपको कि आप भी इस चंगुल में ना फंस जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। फेसबुक स्क्रोल करने के अलावा रात रात भर आप इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं, आप इसको कुछ पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। कुछ तो नया सीखोगे ना, इथिकल हैकर बनोगे या साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ नॉलेज आएगी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, हिंदी में हैं, आपको
बहुत आसानी से सिखा देंगे। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो नया सीखोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका क्या, आपकी क्या राय है, क्या आप भी फंसे हुए हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।